मैं मिथिलेश चौधरी स्पीकर ऑफ संध्या फ्लेक्स ग्रुप। मैं आपको आज का एपिसोड में बताना चाहूंगा। सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली अनसक्सेसफुल पीपल। सेवन हैबिट्स ऑफ द हाईली अनसक्सेसफुल पीपल बोले तो कुछ ऐसे रीजन होता है, कुछ ऐसे टर्म्स होता है जो लाइफ में वो लोग सक्सेस नहीं होते, उनके पीछे एक सेवन रीजन आपको लेकर आया हूँ। अगर आप ये वीडियो से आपको और आपके फ्रेंड सर्कल या किसी भी इंसान को बेनिफिट हो अपने नेटवर्क में, इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। फर्स्ट आपको आता है दे डोंट लर्न एंड चेंज, कुछ भी सीखना और बदलना नहीं चाहते। जो बैड हैबिट वाले जो लोग होते हैं हम उनको डेली कुछ ना कुछ बोलेंगे कि आप भैया ये काम कर लो, आप बोलेंगे लेफ्ट से ही जाया करो रोड पे, लेकिन बार बार वो राइट वे ही जाएंगे। हम बोलते हैं कि ये करना अच्छा नहीं है तो बंदा वही काम करेगा। तो अगर वो किसी के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलता है, अपना कभी रास्ता बदलना ही नहीं चाहता है, कुछ सीखना ही नहीं चाहता है, कितने जे भैंस के आगे बीन बजाए भैंस बैठ पगुरा है, एक कहावत है, जो भैंस के आगे हमेशा बीन बजाएंगे तो भैंस क्या तो बैठी रहेगी। जैसे मूर्ख को उपदेश देना केवल क्रोध को बढ़ाना होता है, उसी तरह से जो अनसक्सेसफुल जो पर्सन रहते हैं वो तो किसी के भी अच्छे सजेशन को एक्सेप्ट नहीं करते, वो अपना रास्ता बदलना ही नहीं चाहते, गलत रास्ते पर ही चलते चले जाते हैं। नेक्स्ट जो आता है दे डोंट टेक एक्शन एंड स्टे कंफ्यूज्ड, वे कुछ नहीं करते हैं और भ्रमित रहते हैं। जो अनसक्सेस पर्सन होते हैं वो तो खुद कुछ करते ही नहीं है, करने जाएंगे भी तो कंफ्यूज रहेंगे, अरे करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, करना या नहीं करना, करना या नहीं करना, वो कंफ्यूज में उनका जिंदगी पूरी चली जाती है। तो ऐसे लोगों से हमको दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट दे डोंट मेक क्लियर गोल्स, वे स्पष्ट लक्ष्य नहीं बनाते हैं। जो सक्सेसफुल सक्सेस पर्सन रहते हैं तो उनका तय कर लक्ष्य होता है, गोल होता है, जो बना लिया बना लिया। और जो अनसक्सेस पर्सन होता है उसका कोई लक्ष्य नहीं रहता है, कोई एम नहीं रहता है, कोई गोल नहीं रहता है, इसलिए डे बाय डे उनका पूरी लाइफ एक दिन टाइम ऐसे स्पेंड करे चलते जाते हैं, लाइफ में कुछ अचीवमेंट नहीं होता है। दे डोंट मेक सैक्रिफाइसेस फॉर इम्पोर्टेंट थिंग्स, वे महत्वपूर्ण चीजों के लिए बलिदान नहीं देते हैं। त्याग सैक्रिफाई करना मतलब हमको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है बोला गया है। तो जो बेवकूफ लोग होते हैं, जो नासमझ लोग होते हैं, जो डेढ़ दिमाग का होते हैं, उनको कितना भी हम समझाएंगे कि ये रास्ता अपना लो, अपनाते नहीं हैं और अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाते। उनको जो वर्क मिलता है उसके प्रति पूरी तरह से समर्पित नहीं होते हैं तो उनके आगे चैलेंज बनते रहता है और कभी लाइफ में सक्सेस नहीं होते हैं। नेक्स्ट लैक ऑफ सोशल स्किल्स एंड एम्पैथी, सामाजिक और सहानुभूति का अभाव।
जो अनसक्सेस पर्सन होते हैं उस उनके पास लैक ऑफ द सोशल स्किल एंड एम्पैथी, मतलब उनके प्रति सामाजिक काम से बहुत दूर रहते हैं और सहानुभूति का अभाव होता है उनके पास, उनके पास एम्पैथी नहीं रहता है और सामाजिक लोगों से अपने आप को दूर रखते हैं और हमेशा अपने आप को अनकंफर्टेबल समझते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक, दे डोंट एक्सरसाइज एंड टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ, वे व्यायाम नहीं करते हैं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं। जो अनसक्सेस पर्सन होते हैं अपने लाइफ में कुछ चेंज करना नहीं चाहते, एक्सरसाइज जो होती है अगर हम सुबह सुबह उठ करके एक घंटे अपने शरीर के लिए देते हैं, व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी फिटनेस के अलावा हमारी मेंटल पावर भी बढ़ता है और बॉडी थोड़ा एक्टिवेट हो जाती है। तो जो अनसक्सेसफुल पर्सन रहते हैं वो अपने शरीर तक का भी ध्यान नहीं रखते हैं, न टाइम से उठेंगे, न टाइम से जगेंगे, न टाइम से काम करेंगे, तो वो लाइफ में हमेशा पीछे रह जाते हैं। They have too much distractions. उनमें बहुत अधिक व्याकुलता होती है। जो अनसक्सेस पर्सन रहते हैं जो कभी भी डिस्ट्रैक्शन रखते हैं, मतलब कोई भी काम जो करने के टाइम में घबराते हैं, उनके अंदर एक पेशेंस नहीं रहता है और कोई भी काम करने के लिए इतना घबरा के करते हैं कि बना हुआ काम बिगड़ जाता है। तो ये आपने जो 7 टिप्स देखा, 7 पॉइंट देखा, तो आपको ये सारे पॉइंट से अगर आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो ये पॉइंट से आपको अलग रखना पड़ेगा और हमेशा पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। इसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी, स्पीकर ऑफ संध्या लेक्स ग्रुप, अपने शब्दों का विराम देना चाहूँगा। इसके पहले हम जो मिथिलेश चौधरी आपके साथ लेकर के आते हैं रबर एंड पीवीसी प्रोडक्ट, अगर आपको लाइफ में कुछ रिक्वायरमेंट है तो आप हमको ज़रूर कांटेक्ट करिए। हमारा जो वेबसाइट है www.sandhyaflex.com, दूसरा वेबसाइट है www.sandhyaflexrubber.com। थैंक यू, धन्यवाद।